मैंने एक हिंदी भजन सुना जुबीन नौटियाल का, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जब ये हिंदी में गा सकते तो मैं इसे अपनी अपनी पहाड़ी लैंग्वेज में क्यों नहीं गा सकती। तो मैं बैठी कॉपी पेन लेके, मैंने ये भजन अपनी पहाड़ी लैंग्वेज में गाया, मेरी मदर टंग में गाया। जिनके कश्मीर हेड के साथ मैं काम कर रही हूँ, तो उन्होंने ये पोस्ट किया और वहाँ से ये जो मेरा राम भजन है ये बहुत वायरल हो गया। मेरा ये मानना है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, लड़ झगड़ के कुछ नहीं मिलने वाला। हिंदू लोग मुस्लिम्स की रिस्पेक्ट करें, हम लोग उनकी रिस्पेक्ट करें। मैंने एक हिंदी भजन सुना जुबीन नौटियाल का, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उस वजह से मैंने कहा कि जब ये हिंदी में गा सकते तो मैं इसे अपनी अपनी पहाड़ी लैंग्वेज में क्यों नहीं गा सकती। तो मैं बैठी कॉपी पेन लेके, मैंने ये भजन अपनी पहाड़ी लैंग्वेज में गाया, मेरी मदर टंग में गाया। तो फिर मैंने इसे क्या किया, मैंने इसे रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करके मैंने सर को सुनाया, सर ने कहा हाँ बहुत अच्छा है। तो जिनके कश्मीर हेड के साथ मैं काम कर रही हूँ, तो उन्होंने ये पोस्ट किया और वहाँ से ये जो मेरा राम भजन है ये बहुत वायरल हो गया। तो कैसा फील कर रही हैं अभी? मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, थैंक्स टू इंडिया, इवन थैंक्स टू LG, क्योंकि ये LG साहब की वजह से हो रहा है कि लोगों के माइंड से नेगेटिव चीज़ें निकल रही हैं। तो इस टाइम जैसे मैंने राम भजन गाया तो हमारे मुस्लिम भाइयों ने भी मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत कांग्रेस किए मुझे कि आपने इतना अच्छा गाया। इस टाइम बड़े बड़े न्यूज़ चैनल से आपको कॉल्स आ रही हैं, आप लाइव कर रहे हैं उनके साथ, ये सारा कश्मीर एड की वजह से हुआ। तो लोगों के लिए पूरे हिंदुस्तान में आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरी ये मैसेज है, फर्स्टली जो मैं सैयद कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, तो जो हमारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है ना, उनका ये पैगाम है कि जिस वतन में आप रहें उनसे मोहब्बत करें, मतलब वतन हुब्बे मोहब्बती जिसको बोलते हैं, अपने वतन से करिए। तो मेरा ये मानना है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, लड़ झगड़ के कुछ नहीं मिलने वाला। हिंदू लोग मुस्लिम्स की रिस्पेक्ट करें, हम लोग उनकी रिस्पेक्ट करें। तो स्पेशली जैसे हमारे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उन्होंने हमें ये चीज़ सिखाई कि बेटा कि जो मेरी उम्मत है उनका उनको कभी किसी के साथ लड़ना झगड़ना नहीं है। तो जो राम श्री राम जी थे वो पुरुष उत्तम उन्हें कहा जाता था, तो वो इंसानों में पुरुष उत्तम थे, मतलब सबसे हाई जगह पर उन्हें माना जाता था, क्योंकि वो ऑनेस्टी की वजह से बहुत फेमस थे, वो आइडियल पर्सन थे और वो जस्टिस पे ज़्यादा बिलीव करते थे।